दो लोगों ने मिलके ये ब्लैक बोर्ड लगाया। तो मॉर्निंग हो गए हैं, पापा के लिए पहले बनाती हूँ बनाना शेक। मम्मी आपका फोन आया नहीं है, इधर लेके आई हूँ किचन। मुझे वो दे दो, दूध और मिक्सी, पापा के लिए बनाना शेक बनाना है। मम्मी बना रही है आलू के पराठे, मैं एक ही खाऊंगी। मम्मी आलू के पराठे इतने पतले पतले बनाती है, इतने पतले पतले बनाती है। हाँ बहुत है, सबसे सही होता है केला वेट बढ़ाने के लिए। केला हो गया, आलू हो गया और न्यूट्रीला हो गई। मम्मी कह रही है आपका तो वैसे ही घट जाएगा अभी ऑपरेशन के बाद। एक का बढ़ाना आपको है, आपको टेंशन नहीं है। एक तो ऑपरेशन हो जाएगा, ऊपर से खाना पीना सब दाल वाला हो जाएगा, तो वैसे ही पतला हो जाएगा इंसान। लेकिन यह है कि उसके बाद फिर से जब छूट जाएगा ना, फिर मोटे हो जाते हैं। बनाना शेक बन के है रेडी, चलते हैं पापा को पिलाते हैं। पापा बनाना शेक आपका, पकड़ो पकड़ो जल्दी, फटफट पी लो। कैसा बना है? अच्छा है? पूरा खत्म करो, डेली पीना है ये। नहीं नहीं वो अरे एक ही गिलास है कसम से, छोटा था ना, तो इतना नहीं पीऊंगा मैं भी। मैं नहीं नहीं वो आपका ही है, चलो पियो उसको। आज की ब्रेकिंग न्यूज कि आज हमारी मोटर खराब हो गई है पानी की, ठीक है? तो आए हैं वो मिस्त्री ठीक करने के लिए। आपको क्या चाहिए मम्मी? हरी मिर्ची। कितनी? फ्रिज में टमाटर पड़े हैं, वो खराब हो जाएंगे। क्या करो, झोले खा लीजिए। हां झोले बना लो। नहीं यार हम लोग झोले, हां दाल बनाएंगे। आए मोटर ठीक करने वाले? आए तो होंगे, पता नहीं। तो मोटर हो गई है खराब, पानी की हो गई है दिक्कत। अभी आए हैं लेकिन सही हो जाएगी थोड़ी देर में। और धूप आ रही है बट यहाँ इतनी गर्मी नहीं है यार। मुंबई में तो मतलब इतनी चिपचिप वाली गर्मी है बट यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। इधर आलू का सामान, वो पराठे का सामान, प्याज भी डाल रही है उसको मम्मी। आलू प्याज के पराठे बन रहे हैं भाई, क्या बात है। आज मैं बना के खिला देती हूँ, दे रही हूँ। हाँ कल से तो पता है मैंने खिलाना है, कल से तो मैंने खिलाना है। ज्यादा नहीं होगी, पापा नहीं खाएंगे। नहीं तो मैं सारी इसलिए थोड़ी लाई हूँ कि डालोगे, जितनी डालनी उतनी डालो। तो मम्मी लोगों का साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब हो गया ना? किस बजे उठ गई? 5 बजे तो जल्दी उठ जाती है मम्मी, तो 5 बजे से खटरपटर चालू हो जाता है मम्मी का। मैं तो सोती ही 1:30 बजे हूँ, मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, मम्मी लोग तो जल्दी सो जाते हैं, 1:30 बजे सोती हूँ। मुझे तो गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने एसी चलाया था। तो भाई मेरा आलू का पराठा रेडी है विद चाय और एक आम का अचार, मस्त आलू प्याज का पराठा। बस एक ही खाऊंगा मम्मा मैं, बस थैंक यू। नहीं एक बस बहुत है। एक पराठा खा लिया है, इतना टेस्टी बनाया ना कि पेट भरा भरा सा लग रहा है लेकिन नियत नहीं बनी। तो एक तो नहीं खाऊंगी, आधा खाऊंगी। मस्त बन रहा है यार, इतना मस्त। मैं प्याज का पराठा, प्याज डाल दूं तो मेरा फट जाता है पराठा। मम्मी के पराठे देखो, हो। तो भाई इधर पापा का सॉस निकालो, इसमें मैंने खाया पता है, एक पराठा खाने वाली थी, मैंने 2 पराठे खा दिए, इतना मस्त बनाया मम्मी ने। सॉस ले आएंगे फिर आज, अचार खाओ अचार। कल क्यों नहीं बोला, कल मैं ले आती, ये नहीं निकलेगा। आप भी बना लो अपने लिए। मैं तो रोटी खाऊंगी। क्यों? रोटी सब्जी खाऊंगी मैं। अच्छा कैसे बना पापा? हैं बढ़िया ना। देखो मेरे को चार्ट लगाना है पापा, पूरा ये पूरा निकाल के सेंटीमीटर नाप के। उसको नहीं नापना पापा, उसको नाप के तो काटेगी। नहीं यहाँ से चिपकाते हुए जाऊंगी, लास्ट में कटर मार दूंगी, ये कह रही हूँ। वो तो नहीं तो चिपकेगा नहीं अच्छे से। तो भाई इधर हम लगा रहे हैं ब्लैक बोर्ड, पकड़ो पापा इधर से पकड़। दो लोगों ने मिलके ये ब्लैक बोर्ड लगाया, इसमें लहरें बनी है, समंदर की लहरें, देख रहे हो? बाप रे कितना प्यारा बना दिया, वाह 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 वाह। मम्मी हंस रही है देख के, लाइन देखो तो सही। अब मैं इसमें कैसे लाइन खींचूंगी, कैसे लिखूंगी, और पापा ने इसमें अंगूठा मार मार के कैसे
गुनु नहीं होगा, वो चिपक गया। अब कहाँ कर रही उसे ऐसा, रहने दे अब। चलो फिलहाल काम चला लेंगे इसी। बच्चे का ब्लैक बोर्ड टंग चुका है। ब्लैक बोर्ड ने पहले ही अपनी टांग तोड़ दिया है। वाह रे वाह। इधर मैकेनिक तो पापा खुद ही बन जाते हैं घर में। ये प्रेस ठीक करा लाओ, कहा खुद ही ठीक करने लग गए। हाँ ये क्या बात हुई, और खराब हो जाएगी वो। पापा अपने असली अवतार में आते हुए टी शर्ट वीशर्ट उतार के। पापा तो आज मम्मी इसका कर देंगे कांड, देख लेना तुम। किसका? ये प्रेस का। और किसका? गरम तो हो रही है। ये ठीक ही होगी भैया, खराब सही तो करानी है वो। ये देखो खरबूजा तैयार है। क्या है? तरबूजा, वाटरमेलन। क्या बोलते हैं? जब टी शर्ट पहन ही नहीं है तो कंधे में भी रखने से कुछ नहीं होगा। यार इसमें नमक क्यों डाल दिया, मुझे नमक नहीं पसंद। इधर नहीं डाला, इधर आज हमारी मूड खराब हो गई है पानी की। आया तो थे मिस्त्री, नहाया नहीं है तो क्या हो गया? नहाया नहीं तो कितने की? बाबा भगवान। फाइनली मेरा सोशल मीडिया टाइम टेबल लगा तो दिया है। लाइनें स्केल से खींचने के बाद भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। लाइन कौन देखा? अच्छा तो भाई ये हो चुका है। ऊपर तो मैंने ये मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे स्टिकर लगा दिया, बट ये टिकेंगे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। आज मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, तो आज फ्राइडे, आज फ्राइडे से शुरू होगा। देखते हैं। हमारे मरीज को 5 बजे तक खाना खाना था, तो मरीज ने क्या किया, दिन का खाना ही नहीं बनाया। ये तो मरीज है, मरीज ने हमें भी नहीं खिलाया है। 2 बज गए, तुम लोग कहते पेट भर रहा है। 2 बजे तक कोई खाना पीना कोई अता पता कुछ नहीं है। हाँ अब यहाँ पता नहीं क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? कचौड़ी बस, सुबह आलू के पराठे, दिन में कचौड़ी। अपना तो वेट कम होगा इनका ऑपरेशन के बाद, हमारा जो बढ़ा देंगी। ये हमको खिलाया सुबह के आलू बचे हुए, उसको भर भर के कचौड़ी बना के खिला दी। यहाँ हमारा पेशेंट आज फिर से मैगी खा रहा था। कल की मैगी में जीरा था, मैडम को पसंद नहीं आया था। आज मैगी में कुछ नहीं डाला, ये कोरियन वाली नूडल्स है। 130 रुपए वाली। इसमें आम के अमटोली है। तेरा मैगी है इसमें 130 रुपए में। ये पकी नहीं है कह रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं। देखो तो सही। ये कहते हैं संगत का असर पड़ता है। मेरे से कहते हैं मैगी मत खा। 2 दिन से अपना मैगी खा रहे हैं बस। 2 मैगी तो मैडम ने खा दी, 5 लाई थी मैं, 3 बची हैं। ये मैगी कोरियन है ना, चाइना वालों की है ना। ₹10 वाली बढ़िया है बोल रहे हैं। ज्यादा महंगी चीज हमें पसंद लग रही है, जैसे वो प्लास्टिक की वो खा रहे हैं। 10 रुपए वाला सही है। इसमें पानी होता है ज्यादा इस मैगी में, ये मैगी ज्यादा अच्छी है। तो बाबा आज का दिन तो मेरा पूरा ऐसे ही, नहाया धोया कुछ नहीं है। ठीक है बस अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में। मैं सो गई थी थोड़ी देर क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है सोने का। नींद आ गई थी, 1 घंटा आराम किया मैंने। उठी तो देखा मम्मी इधर सब्जी काट, इधर मम्मी बना रही आज तो रही तो रही, तो मैंने कभी नहीं खाई पूंगे बटा जा रही तो रही और रही सो रही। देखो यहाँ पे बड़ी वाली मिर्ची ऐसी मिली, अच्छी है यहाँ पे भी। अभी पेड़ पौधों में पानी डालना है। पापा जा रहे हैं प्रेस ठीक करवाने। मोटर हमारी ठीक हो गई है। मोटर ठीक हो गई मम्मी? हाँ मोटर हमारी ठीक हो गई। कह रही हो ये ना सदाबहार है। कह रही हूँ मैं सदाबहार फूल है इसका, और है ही सदाबहार। ये कहीं भी पैदा हो जाता है, ये कहीं भी बिना पानी के। और कहाँ देखना बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जैसे पाइप के अंदर लगा है। इसको मतलब रहने के लिए स्पेशल घर नहीं चाहिए है। कहीं भी जहाँ रहेगा वहीं अपना घर बना ले। ऐसे नहीं लग रहा जैसे पाइप के अंदर, देख हाँ पाइप के अंदर ऐसे लगा रखा हो जैसे हमने लगता है। ये सब अपने आप हुए हैं? अपने आप ही होते हैं ये। और कितने हो गए देखना, ये सब हो गए। अच्छा ये सब वही है। चिड़ा के फेंकने पड़ते हैं। पुदीना देखो, पुदीना मैंने कहा था पुदीना सुखा दो जरा। कड़ी पत्ता, ओई जा भाभी कड़ी पत्ता देखो भाई। हम लोग वहाँ कड़ी पत्ता पुदीना मांगते रहते हैं एक दूसरे से। बाप रे, ये मेरी मम्मी ने ना कड़ी पत्ता पहली बार मुंबई में खाया था
और आने के बाद मम्मी ने बोला कितने का, 5 रुपए का ना, 5 रुपए का खरीदा था, उसने लिए भी नहीं वो 5 रुपए, नर्सरी 5 रुपए का मम्मी ने पौध लिया था कड़ी पत्ते का, और ये कड़ी पत्ता देखो, हे भगवान, ये तो बहुत ही बड़ा हुआ है, तो तब भी तुमने धो के डब्बे में नहीं रखे ये, अभी रखती हूँ मैं। देखो मम्मी अभी कप लेके आई, कितना प्यारा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट, ये तो मुंबई जाएगा, बहुत प्यारा है, एक ही है अभी साफ किया मैंने, अरे डब्बे में थोगा ये तो, हाँ तो इसको डब्बे में जैसे निकाला है उसी तरीके से पैक कर दिया जाए, ये हमारे साथ मुंबई जाएगा, ठीक है, ले जाए यहाँ पे खाली इसमें। तो आज बनी है मूंग की दाल की खिचड़ी, पतली पतली, क्योंकि मम्मी को हैवी खाना नहीं खाना है, सुबह 7 बजे तक फिर मम्मी कुछ नहीं खा सकती है, मैं चली अपना खिचड़ी इंजॉय करने, और साथ में मेरी छास जो कभी नहीं छोड़ेगी मेरा साथ। तो गाइज आज मूंग की दाल की खिचड़ी खाई और 6 बजे ही आज खाना खा लिया था मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का फील हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि 6 बजे 7 बजे ही लास्ट टू लास्ट मुझे रात का खाना खा लेना चाहिए, वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और कल सुबह सुबह हमें 7 बजे हॉस्पिटल पहुँचना है, तो आज जल्दी भी सोना पड़ेगा। और मैं आपको सुबह से बोल रही थी ना, मैंने नहाया नहीं है, तो मैंने खाना खाने के बाद हैड वॉश किया, उसके बाद मैंने नहाया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे हैड वॉश का टाइम नहीं मिलेगा, तो फटाफट नहा धो के चले जाएंगे। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलें गुंज फिफ्थ, थैंक यू सो मच, टाटा।